अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिल्कुल एक न्यू स्टाइल रिंग समोसा बना रही हूँ, वो भी बहुत इजी और झटपट। ये समोसा आजकल स्ट्रीट फूड के तौर पर बहुत ही पसंद किया जा रहा है। इसकी एक खासियत ये है कि नॉर्मल जो समोसे होते हैं ये उसके बरक बहुत देर तक क्रिस्पी रहता है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं जबरदस्त क्रिस्पी रिंग समोसा। सबसे पहले हम रिंग समोसा बनाने के लिए 2 कप मैदा लेंगे। मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है। आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा छोटा चाय का चम्मच अजवाइन ये ऐड करेंगे। 1/4 कप ऑयल का शामिल करेंगे। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आटा हम थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को हमने 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लिया है। ये आप देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इसको ढाँप कर 15 से 20 मिनट रख देंगे ताकि ये आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। 2 चाय के चम्मच हमने ऑयल लिया है। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे, अनारदाना चाय का 1 चम्मच, साबुत धनिया चाय का 1/2 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च चाय का 1/2 चम्मच, नमक चाय का 1/2 चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, जीरा 1/2 चाय का चम्मच। ये सारी चीजें हम ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इनको रोस्ट करेंगे। इससे जो हम स्टफिंग तैयार करते हैं मसाले का कच्चापन इसमें फ्राई करने से कच्चापन दूर हो जाता है। 1 मिनट हमने इसको हल्की आंच पर फ्राई कर लिया है। 2 अदद हमने आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरीके से मैश कर लिया है बॉईल करके, ये ऐड करेंगे। 1 कप हमने चने लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, ये ऐड करेंगे। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं। आप चनों के बजाय मटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1/2 मिनट हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप हरा धनिया ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। इतने साइज के हम पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे। अब बेलने की मदद से हम इसको बेल लेंगे। थोड़ी सी हम इसको चकोर शेप में कर लेंगे। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को हम सेट करके डालेंगे। अब ये जो बैक साइड है इसके ऊपर पानी लगाएंगे। अब हम इसको प्रेस कर देंगे। आधा आधा इंच के बराबर हम इसके कट लगाएंगे। इस तरह। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से पानी लगाएंगे ताकि ये सारी तय अच्छे तरीके से चिपक जाए। अब अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे। ये मैदे का हमने गोल बनाया है, ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। इस तरह दोनों कोनों पर। अब हमने जो पट्टी काट के रखी थी ये अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। इस तरह इसी तरह ये हम सारे बना लेंगे। ऑयल को हमने दरमियाना सा गर्म कर लिया है। हम बहुत ज्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे। स्लो आग रखिएगा। स्लो आग पर ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
तीन से चार मिनट हम एक तरफ से फ्राई करेंगे और तीन से चार मिनट दूसरी तरफ, ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी बने। अभी थोड़ा सा हम इसको और गोल्डन करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा गोल्डन करना बाकी है। अब हम एक एक पीसेस का ये ऑयल निकाल कर सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑयल को हम निकाल लेंगे। हम इनको चनों और दही और केचप के साथ खाएंगे। आप चाय के साथ भी इनको खा सकते हैं। रिंग समोसा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही इजी तैयार हो गए। इसको हम शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। और अगर हमारे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो उनको ये रिंग समोसा बना कर दें, वो बहुत ही पसंद करेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।